तो ये भगवान भाई थे जिन्होंने हमारी हेल्प की थी एयरपोर्ट पे। हमारा 2 kg वेट जो है ना ज़्यादा हो गया था भाई के। दो थैंक यू। हेलो, सलाम अलैकुम, मरहबा गाइस। मैं जानता हूँ आप लोग मेरे वीडियो का वेट करते होंगे और आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस, उसका मसला ये आ गया गाइस कि मुझे बहुत इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़ गया है जद्दा टू मुंबई। तो ये जो व्लॉग होगा गाइस, जद्दा टू मुंबई वाला ब्लॉग होगा, आप लोग देखेंगे। और गाइस, आप लोगों ने अभी तक जो जद्दा का जो मोबाइल का जो सीरीज़ देखा, बहुत पसंद किया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच, दिल से आप लोग का शुक्रिया। और गाइज, अब से जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ब्लॉगिंग, वो मुंबई का, मैं आपको यूज़ बाइक्स और यूज़ कार और यूज़ फ़ोन के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो होप करता हूँ गाइज, आप लोग को ये भी सीरीज पसंद आएगी। हाँ गाइज, मुझे मुंबई से इंडिया आना पड़, सॉरी, जिद्दा से मुंबई आना पड़ गया। ये बहुत ही, यानी एक दर्दनाक कहानी है मेरे साथ, वो मैं फिर कभी आप लोगों को बताऊंगा। तो होप करता हूँ वीडियो जो आप लोगों ने सीरीज़ देखा वो आप लोगों को पसंद आई होगी और आगे भी पसंद आई गाइज। तो प्लीज़ गाइज, वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आगे आप लोग को इससे भी टॉप टॉप के सीरीज़ में आप लोग को दिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखते रहे वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई कॉमेंट्स हो आप लोग का, कॉमेंट्स करके मुझे बताएं। थैंक यू। थैंक यू। देख सकते हैं बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और मैं अभी आ गया हूँ एयरबस में। अच्छा, ये साइड में ड्राइवर किधर है? उधर है। दोनों साइड से सेम ही लग रही है। फाइनली गाइस, अभी अपन यहाँ से जद्दा से मुंबई के लिए जो ट्रेवल है हमने स्टार्ट कर दिया। और एक्चुअली मैं अभी फिलहाल एयरबस के अंदर आ चुका हूँ, बोर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है और आगे का जो ब्लॉग्स है कंटिन्यू करेंगे। एयरप्लेन के अंदर थोड़ा सा सीन आप लोग को दिखाएंगे, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। और ये सरप्राइज होगा क्योंकि मैं अचानक में ही जा रहा हूँ, कोई प्लान नहीं था मेरा जाने का। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें, किसी को मैंने अपडेट दिया ही नहीं है इसके बारे में कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। चलो, तो फाइनली देख सकते हैं गाइस, वो दिन आ गया है जिसमें एयर इंडिया में हम ट्रैवल करेंगे। और ये देखिए, वहाँ पर एक साइन जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एयर इंडिया का, नेताजी का 125वां जयंती वर्ष, वो एयर इंडिया की ट्रैवलिंग टिकट निकाल के रखता हूँ बाहर क्योंकि वो चेक करेगी जब मैं अंदर एंट्री करूँगा। तो ये फाइनली वो दिन आ गया। हेलो सर, थैंक यू। यस, पेन लेंगे। देख सकते हैं फाइनली एंट्री हो गई है अपने एयर इंडिया में। थ्री सीटर एंड थ्री सीटर, इसको थोड़ा वीआईपी बनाओ रे। हेलो सर, मेरी किधर पे है? 21F। अब नहीं दे रहे। फाइनली अपन विंडो सीट मिल गई है। ओके, आ जाओ भाई लोग। फाइनली अपन आ गए यहाँ पर, देख सकते हैं प्लेन के अंदर। दिखा दो आप लोग को थोड़ा पीछे का, और अपने को मिल गई है यहाँ से विंडो वाली सीट, दिखाएंगे आपको। मरहबा गाइस, क्या सीन आ रहा है गाइस, ये कैमरा ना रियलाइज नहीं कर पा रहा। ऊपर में अंधेरा है, देखो ऊपर पूरा अंधेरा है लाइट, और यहाँ से सूरज की रोशनी सुबह होते हुए, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में इस टाइप का व्यू। देख सकते हैं आप, ऊपर में फुल अंधेरा है, पूरे स्टार निकले हुए ऊपर में, और यहाँ से रेड कलर का, ऑफ कैमरे से पिक्चर क्लिक करता फिर आप लोग को दिखा। देख सकते हो मुंबई में लैंड कर चुके हैं, और एयरपोर्ट देखो मुंबई का, ऑसम है, ऑसम। ये तो फाइनली गाइस, मुंबई से देख सकते हैं लाइव हो, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया अभी 7 बज रहा है, 7 AM। देख सकते हैं, आपको बैकग्राउंड लुक दिखाता हूँ। जस्ट यहाँ पे अभी स्टैंपिंग होगा पासपोर्ट पे और मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। बैक कैमरे से सीन चेक करो मुंबई एयरपोर्ट का, ऑसम है ना। तो ये भगवान भाई थे जिन्होंने हमारी हेल्प की थी
एयरपोर्ट पे हमारा 2 kg वेट जो है ना ज्यादा हो गया था, भाई के बैग में रख के ले पास करवाया हो। बहुत बहुत थैंक यू भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज आपके साथ में ट्रैवल किया बहुत ही अच्छा लगा। इन फ्यूचर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। श्योर। कैसा कैसा लगा आज आपको ट्रैवल करके? बहुत बढ़िया लगा आपके साथ ट्रैवल करके। थैंक यू, थैंक यू सो मच। गाइस देख सकते हैं मुंबई एयरपोर्ट पे ऑलरेडी अराइव हो गए हम लोग, और बस कुछ ही स्टैम्पिंग होगा और यहाँ से बाहर निकलेंगे। देख सकते हैं इंडियन पासपोर्ट काउंटर नंबर 14 और 13 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी ब्लॉग्स एंड नहीं हुआ, देखते रहे आप लोग। फैमिली भी आई हुई है तो पिकअप करने के लिए, फ्रेंड्स लोग भी आए हुए हैं, आप लोग देखेंगे। गाइस तो फाइनली मैं पहुंच गया अभी जद्दा एयरपोर्ट पे, और मेरे साथ में मेरे पीछे फैमिली है, पर देख सकते हैं जिसने भी मुझे पिकअप किया। तो गाइस देख सकते हैं अमची मुंबई में हम लोग वेलकम कर चुके हैं, ऑलरेडी इंटर हो चुके हैं। गाइस देख सकते हैं मुंबई की बिल्डिंग, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना गाइस, जब 2 फ्लोर की थी, मैं जब से इसको देखता हूँ हमारे सामने बन के रेडी हुई है, तो देख सकते हैं। और अभी मैं मुंबई में पहुँच चुका हूँ ऑलरेडी गाइस। और हाँ गाइस, मैं अपनी फैमिलीज का जो है ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद आया हूँ आफ्टर 4 ईयर्स, तो सारे लोग बहुत इमोशनल हो गए थे, तो इसके लिए मैं शूट नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, मसला।